गाइस तो कैसे हो आप लोग। तो आज हम बात करेंगे स्पाइडरमैन से रिलेटेड काफी कमाल के अपडेट के बारे में। आपने साल 2004 में रिलीज हुई स्पाइडरमैन 2 तो देखी होगी, जिसमें कि हमें कुछ ऐसे सीन दिखाई जाते हैं जिसमें कि पीटर पार्कर हमारा शक्तियां खो देता है, यानी कि उस पर कोई भी स्पाइडरमैन वाली पावर नहीं होती है, यानी कि बड़ी शक्तियों के साथ महान जिम्मेदारी। फिर भी पीटर पार्कर इस चीज को भूलता नहीं है और एक जलती हुई बिल्डिंग में घुसकर एक लड़की को बचाता है। बट उसके बाद क्या हुआ, तो अगर लोकलिटी की बात करी जाए, पब्लिक की बात करी जाए, तो वो खबर हर अखबार में छपी हुई थी और एक लड़की को बचाया गया था जो कि बहुत बहादुर थी। और ये खबर न्यूयॉर्क टाइम्स में, न्यूयॉर्क पोस्ट में और उसी के साथ डेली बुगल में भी छपी थी। और डेली बुगल में जब ये खबर छपी थी तो उसमें बस ये लिखा था गया था कि एक बहादुर लड़की को बचाया गया, और उस चीज का रेफरेंस आज हमें अपकमिंग मैडम वेब में भी देखने को मिला है, जो कि बहुत अच्छी बात है। बिकॉज क्योंकि मैडम वेब की जो टाइमलाइन है वो है 2000 की, और स्पाइडरमैन जो रिलीज हुई है वो रिलीज हुई है साल 2004 में। तो यानी कि इन 4 साल का डिफरेंस, यानी कि मल्टीवर्स तो कंफर्म है ही है और रेफरेंस दिखाया जा रहा है, तो यानी कि कहीं ना कहीं टाइम ट्रेवलिंग हुई है, मुझे ऐसा लगता है सेट इमेजेस देखकर। बाकी आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और ये रेफरेंस आपको कैसा लगा मुझे ये भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।